हिंदू सेवा समिति के संस्थापक भगवा सेवक प्रदीप शर्मा ने पत्रकारों को प्रेसवार्ता में बताया कि समिति के विस्तार के क्रम में सनातन धर्म व संस्कृति के प्रचार प्रसार में सक्रियता लाने की दृष्टि से सनातन धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले जय भारत कॉलोनी पक्का बाग निवासी आकाश तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष युवा संघ उत्तर प्रदेश नियुक्त किया। संगठन के संस्था हरिओम प्रताप सिंह द्वारा श्रीराम स्तुति कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया व मंच का सफल संचालन श्रीकांत शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पूर्व युवा संघ जिलाध्यक्ष कौशल राजपूत ने कहा, हम अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला इटावा में संगठन द्वारा हर हिंदू की आवाज बनकर उनकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वनाथ टैक्सी मंदिर के महंत स्वरूप ध्यानानंदपुरी बाबरा साहिब द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदीप शुक्ला, वीरेंद्र सिंह कुशवाह, कल्लू बाल्मिक, क्षमा तिवारी प्रदेश कोषाध्यक्ष महिला संघ, मधु शर्मा पूर्व नगर अध्यक्ष नया शहर महिला संघ, योगेश शाक्य पूर्व नगर अध्यक्ष युवा संघ, अनिल मिश्रा, अमित श्रीवास्तव, आशीष जैन, मिथुन जैन, गौरव चतुर्वेदी, रविंद्र तिवारी, नीरज चतुर्वेदी सहित आदि लोग मौजूद रहे। किस चीज को लेकर विस्तार किया गया और क्या आगे मुद्दे रहेंगे? आज आपको पेट वार्ता के माध्यम से हिंदू सेवा समिति ने जो विस्तार किया है वो उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष युवा संघ से आकाश तिवारी जी और हमारा आकाश तिवारी पर ही पूर्ण विश्वास है कि इस संगठन को पूरे उत्तर प्रदेश में युवाओं को जोड़कर बहुत मजबूत करने का काम करेंगे। इसी आशा के साथ मैंने आकाश तिवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष युवा संघ से नियुक्त किया है। राम को लेकर लगातार आपके द्वारा रैलियां निकाली गई, लगातार आप राम धर्म, राम और सनातन धर्म को लेकर लगातार लोगों को जागरूक कर रहे थे, राम मंदिर बन गया, अब आगे क्या तैयारी है आप लोगों की? जैसा कि पता है हिंदू सेवा समिति नाम से ही प्रतीत होता है हिंदुओं के लिए जागरूकता का काम करने का, वो काम हिंदुओं को जागरूक करने का हिंदू सेवा समिति कर रही है और संगठन का धीमे धीमे विस्तार करें पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ हर हिंदू को जागरूक कर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में आगे बढ़ाएगी। और रहा आपका राम मंदिर का, अभी राम मंदिर बना है, काशी बना है, मथुरा बनेगा और हमारा ये मिशन रहेगा कि जो हमारे गलियों में छोटे छोटे मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार करके भव्य मंदिर सारे तैयार करें।